तेरे घर के जितने भी मेंबर्स है उनको ये स्टोरी बताएगा, ये तेरा प्रॉमिस है। आया ना? हाँ। ये स्टोरी है एक पेंसिल और एक रबर। ये पेंसिल और एक रबर है ना गाइस, अच्छे दोस्त है, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है। एक दिन क्या हो जाता है, ये पेंसिल है ना, पेंसिल रबर को सॉरी बोल देता है। तो अपना खास दोस्त है, उसके मुंह से सॉरी थैंक यू मजा नहीं आता ना। पेंसिल पहली बार ये रबर को सॉरी बोलता है ना, तो रबर को थोड़ा अजीब लगता है। रबर बोलता है, भाई अपने में सॉरी थैंक यू कब से आ गया? और इतने भी पेंसिल उसका जवाब देता है, नहीं भाई कभी भी मैं कुछ लिखता हूँ ना तो कभी कभी गलत लिख देता हूँ, और गलती मैं करता हूँ, और पब्लिक तेरे को हिस्ती है, और कभी तू एक साइड से कम हो जाता है, कभी एक साइड से कम हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि तू रहता ही नहीं है। तो सॉरी हाँ भाई, रबर थोड़ी देर के बाद क्या बोलता है पता है, अरे इट्स ओके यार, तेरे को तो याद रहेगा कि तेरे गलतियों को मिटाने वाला कोई था अपने लाइफ में ना, अपन ये पेंसिल, तुम्हारा मॉम डैड है ना ये रबर है, कभी भी ये पेंसिल गलती करता है ना सबसे पहले भाग के आने वाला उसका रबर रहता है। सबके लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब अपना रबर अपने साथ नहीं रहेगा, लेकिन रबर जब तक उस पेंसिल के साथ रहता है वो मेक श्योर करता है कि उसके पेंसिल को मैं ऐसा बना दूं कि दुनिया उसको देख के ताली बजाए। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ताली का विकल्प बजाएं।